ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जरायुः। समस्त श्रोताओं को वंदन नमन और आप सबका अभिवादन करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं आप सबके साथ एक ही महीने में जो ये दूसरा ग्रहण घटित हो रहा है इसके प्रभाव के बारे में बात करता हूं। क्यों? क्योंकि इसके फल के विषय में बहुत से सज्जन परेशान हैं, भयभीत हो रहे हैं, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। तो इस विषय में मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि ज्योतिष विश्व कोश में प्रकृत स्थिति अर्थात एक ही मास में पहले सूर्य ग्रहण और फिर चंद्र ग्रहण होने से देश में समृद्धि हो ऐसा लिखा है। इस प्रकार की जब स्थिति बनती है, पहले एक ही मास में पहले सूर्य ग्रहण और फिर चंद्र ग्रहण आता है, तो लिखा है कि देश में समृद्धि हो, देश समृद्ध हो। और अधिक भयाक्रांत होने की आवश्यकता इसलिए नहीं। और हाँ, चंद्र ग्रहण के समय काशी जी का विशेष महत्व ये तो सर्वविदित है ही, अर्थात सबको ज्ञात है। और साथ ही हमारे पूज्य पिताजी ने भी हमें अवगत कराया कि ग्रहण के समय अमरकंटक पर्वत पर जाने से अश्वमेध यज्ञ से भी 10 गुना अधिक फल मिलता है। एक अश्वमेध यदि यज्ञ किया जाए तो उससे भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। लिखा है कि चंद्र सूर्यो परागेशु गच्छेद यो अमरकंटकम् अश्वमेधाद 10 गुणम प्रवदंती मनीषिणः। और यदि अमरकंटक तीर्थ में स्नान कर लिया जाए तो उससे पुनर्जन्म भी नहीं होता, दोबारा जन्म भी नहीं लेना पड़ता, आवागमन के चक्कर से प्राणी मुक्त हो जाता है, इतना महत्व है। तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्ते पुनर्भवाः। और यदि आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं, अर्थात चंद्र ग्रहण के विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं, तो हमारे वीडियो का लिंक जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो इसको आप देख सकते हैं। बहुत अधिक जानकारी ग्रहण के विषय में आपको मिलेगी, प्रायः प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसमें मिल जाएगा, बहुत जानकारी है उसमें। और अब समस्त प्रकृति की मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।